हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल एमी स्वाद में। आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन पॉपुलर अनियन बोंडा। ये बनाना बहुत ही आसान है, इजी है और एक कम सामान में बनता है। तो चलिए, तो इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए, अनियन बोंडा बनाने के लिए हम यहाँ पे 6 से 7 मीडियम साइज के प्याज लेंगे और इनका जो यहाँ का जो हिस्सा है उसे निकाल लेंगे इस तरह से, और इन्हें लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए, हमें इस तरह से लंबे स्लाइस में कट करना है, और कट करने के बाद हमें इन्हें अलग अलग करना है सभी को इस तरह से। तो सभी को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से लंबे स्लाइस में इसे कट कर लिया है। अब इसमें हम ड्राई मसाले डालेंगे। तो मैं पहले इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे, और यहाँ इसे मैंने बारीक टुकड़े में कट कर लिया, तो ये भी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। ढेर सारी हरी धनिया, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये पूरे प्याज अलग अलग ना हो जाए, तो हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसके सब प्याज के स्लाइस सब अलग अलग हो गए इस तरह से। तो हमें इस तरह से इसे अलग अलग करना है। ये सभी हो गए अच्छे से। अब इसमें हम बेसन का आटा डालेंगे, 1 कप बेसन का आटा डालेंगे, और यहाँ पे 3/4 कप यहाँ पे चावल का आटा डालेंगे, 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, तो इसे क्रश करके डालेंगे इस तरह से हाथों से, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, इसे मिक्स कर लेंगे। तो हम पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें हम 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे, और थोड़ा सा हल्का सा पानी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा गरम तेल डालेंगे। तो हम थोड़ा सा गरम ही तेल डालेंगे इसमें। देखिए, यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच गरम तेल डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने तेल गरम करने के लिए यहाँ पे रख दिया था। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे। अब यहाँ पे हम इसे एक शेप देंगे बॉल की तरह। तो जितना हमारा नींबू का साइज रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से थोड़ा सा गोल शेप देंगे इस तरह से। अब इसे हम तेल में डालेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम सभी को डाल देंगे। आपको जितना छोटा बड़ा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसका शेप दे सकते हैं। इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे, और बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे।
और गैस के फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई भी नहीं रखेंगे और लो भी नहीं रखेंगे, अगर लो रखेंगे तो तेल भी नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे अनियन बोंडा दबन के तैयार है और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अनियन बोंडा बनके तैयार है और ये खाने में बिल्कुल खस्ता करारा और क्रिस्पी है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।